है कानून शरीयत दा, ये है कानून, ये है कानून शरीयत दा, पियो पुत्र दी मैयत न चलावे, ना दफन दे वेले कोल खलोवे, ते ना लै दे जे पुत्र दी मैयत न जाए, ना दफन दे वेले कोल खलोवे, ते ना लै दे जे आए। मैयत न जावे, ना दफन दे वेले कोल खलोवे, ते ना लै दे जे आए। एक कुठे होए पुत्र कुरे चाया, बैठा बैदी कबैर बनाए। एक जुमला आदान के राजा राज चलोला श्री कृष्ण से भी जिसनु रेत चाया, उसका नाम है अली अकबर। जिसनु आप कबर बना के दफन की था, उसका नाम है अली अकबर। हुसैन दे सारे अली है, कोई अकबर है, कोई औसत है, कोई असगर है। इतना प्यार है लफ्ज अली, नाम अली नाल मेरे आका ने सारे पुत्रां दे नाम अली रखे। जैदी साहब अल्लाह पाक बुलंद दर्जा अता करे जन्नत फिरदौस, सैयद भी, खतीब भी, वाइज भी, नकीब भी, बहुत बड़े मुकर्रर हैं, बहुत बड़े बुलंद पाया खतीब, खतीब आले मोहम्मद खिताब मुसाफिर शाम मेरे तरह, इतने बड़े हैं मजदूरी वाले मदा खान, उन्होंने एक जुमला आया है जदो इमाम हुसैन अकबर नु चावन करे तू, अजय अकबर जी दा आखिरी साह है, जदो जवान पुत्र दे आखिरी साह आवे, क्यों दे होश ही बजा नहीं रहते, जग च सोना बजरा अली अकबर, मेरा मौला मत्था चुमके आदा है मेरा लाल, कोई सवाल करना ही कर ले, अली अकबर आदा है बाबा मैं सवाल नहीं करना, फजल मेरे दिया बढ़िया दा शाजाई है, बाबा जदो पीऊ बुझदा हो जाए दुख है तुम्हारा हो, अगर कुछ सवाल नहीं कर ले, मैं तेरा जवान पुत्रा, बाबा मेरे से राजी हो, मेरा मौला है मैं भी राजी, मेरा नाना भी राजी, मेरा बाबा भी राजी, मेरी अम्मा लहरा राजी, मेरे से अंबिया राजी, तेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं मेरा लाल, मैं चाहना कोई सवाल कर। हजरत इमाम हुसैन लाए फरजान हम शक्ले पैगंबर, ये कहना बाबा जी मजबूर कर दो, इतना ही सवाल है, ज्यादा नहीं, और कुछ नहीं मंगता मैं, ये नहीं आता मेरी हयाती बधा दो, मैं ये नहीं आता मैनू मदीने पहुंचा दो, मैं ये भी नहीं आता मैनू निखरी सूरा मिला दो, मेरा पुत्र चाहता क्या है, आवाज आई है बाबा तुझे तो पहले चंद मिनट पहले बुजुर्ग आए मेरे को, त्रै मेरे को बैठे, मेरिया अखिया च खूना, मेरिया अखिया नहन खुल दिया, एक जवान बुजुर्ग ने मेरा मत्था सात बारी चुमे, वो लो गया था मैं तेरे भी सदके, तेरे बुढ़े प्यू दे भी सदके, वो जग तो सोने काम कर चलया, सदके 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 इन्हे आके दूजा बुजुर्ग मेरे कोल आए, उसने मेरे रुख सारे चुमे,
बाबा जेड़ा जुमला आखिर मैं हूं तन शर्मना मेरा मुंह चुम गया दा मैं तेरे भी सदके तेरी पालन वाली दे भी सदके मैं तेरे भी सदके तेरी भुखी दे भी सदके जेही बुर्गे पले दी नहीं है होंडी कदी उठ दी है कदी जान पौंदी है बाबा त्रीजा बजुर्ग मेरे कोला है उसने मेरा जख्मी सीना चुमया जो गया दा मेरे यारा पुत्र होंदे ना तेरे पैरा दुआ चुरे बाबा चौथा बजुर्ग रोंदा रहा है मगर मेरे कोल नहीं आया बाबा तुसा जो आखा है सवाल कर सवाल सिर्फ इतना है एक कौन है मेरा मौला जाए जाए मथा चुमे आई हो मेरा नाना रसूल है जाए तेरे रुख सारे चुमे हो मेरा बाबा अली है जेड़ा तेरा सीना चुमदा रहा है मेरा फिरा हसन है सैयदा के आता है हाय गुरबत हाय बेकसी अकबर तरफ कहते हैं बाबा से चौथा कौन है आवाज ये मेरा ला जदो पुत्रा दे औखी बन जाए दादियां आवेलियां तेरी दादी लहरा है जेड़ी करबला दे ते पिया जवार खोल के रोटी पई है सलामत रहो सलामत रहो आबाद रहो सलामत रहो मेरी हिम्मत इतनी एक जुमला और एक बंद पढ़ के मैं खत्म कर लूं अली अकबर पूछा है ये जवानों में इजाजत जो खास था मैं उसका इंतजाम करूँ मेहनत करके इजाजत मांगना मैं जुमला पढ़ रहा हूँ जवान पुत्र क्यों सही फलने में दर्शन चार से थक गया तेरे दखादी चला गया हुसैन की कमर सीधी ना हुई बिम्बर की कसम बांधू कमान दे कमर हो चुकी सिद्धी नहीं होती चले को दिया अरे अकबर आखिरी शहीद है मैं दुनिया ना लाख लिया पता मारी नकी आला ना मकाम मुझे जो बने आखिरी जमाना जो शहीद है और फिर मेरा मौत आ जाए मेरा लाल मैं तेरी छुट्टी नाल वादा कर रहा है मैं अकबर नूर ले आता ते मेरा लाल मैं बुढ़ा तू जवान इन कर कुछ तू हिम्मत कर कुछ मैं हौसला कर मैं तेन चाह के खैमे च लै बजा बाबा क्या कर आवाज आई पुछा जरा दोनों बहां मेरे गाने पाए अली अकबर ने रो के दोनों बहा प्यू दे गाले पाइया ना आवाज आई उम्मीद से आई जो सच है सुनो उल्टा चावनी पै गया निबरे हुसैन की कसम पाओ बड़े शिया फादर सैयद खतीब दे लफ्ज है जब मेरे मौला ने चाया है नादे अली पर से तो कदम न ठुर सकिया वस रख लिता जमीन से देखा था मेरा ना तू जवान है मेरे तू नहीं चलेगा उसने अकबर करवट बदल के आ जाए थे चाचे गाजी साठा आ जाए जब चाचे का नाम आया गाजी की आश उठी है आवाज आई अकबर कौन जो आ जाए जो गाजी ने साठ मार पहले ही मेरी इजाजत लाए थे मेरा दरबार सलामत रहो सलामत रहो मेरे मौला ने दूजी वाली कोशिश की थी फिर भी चाह के तुर ना सकिया नादी अली पढ़ के एक कदम तुर के फिर पुसनु रखिया आवाज आई मेरा लाल मैं गरीब जदों गरीबी का आवाज आया पंची बच्चे शहीदां दे खैमे चो निकल के आए मेरे गलफ से मैं डाली पर आन के सज्जे खबे खड़ो के अंदर मौला ना रो जे गरीब ना सदवा असा चाह के घर में आया किसे राना थले हाथ रखे किसे पिंडलियां थले हाथ रखे किसे पैरा थले रखे किसे सर थले रखे किसे सीने थले हाथ रखे इमाम हुसैन पुत्र सर संभाल के नाल नाल पुरदा दा जुमला समझना है सैदाओ क्योंकि मुसाहब दा जदों खैमे दे नेड़े होए सैयद अली दा हौसला वेखना है करा के हाथ मार के आदे रख दे हुसैन आ गया अकबर मैं जीवी आ हुसैन तू कल्ला अकबर नु नहीं जा सकया तू जवान है मर दे तू अकबर नु नहीं जा सकया मैं तेरे सज्जाद नु कल्ली जा के पाए पाए उस ने आखी ज़ैनब मैं तेरे भी सदके तेरी मां एक बहन सिर्फ नजरबाज नजवा दे रहे हैं और एक बन पाए मुकान हो गई मोरा मंजूर करे और मेरी नौकरी में अल्लाह पाक शर्फ गुरिस बख्शे और तुहाडे मोमिनीन और मोमिनात दे सदके च अल्लाह मैनू सेहत ए कामल दे सके और मेरियां परेशानियां मुसीबतां नूं दूर फरमाए दुश्मन दे शर महफूज रखे मैं बंद पढ़ के बहन पढ़ के खत्म कर लेना ये वड्डा है छोटा मिंबरे हुसैन जी कसम अकबर दे सीने चों फाल छिकना सौखा मगर छे महीने के बच्चे के काले चों त्रै शाखा वाला तीर कटना औखा
ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੰਦ ਲਿਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲੈਣਾ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸ਼ੀਆ ਵਾਜ਼ ਦੇ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਤੀਰ ਖੈਮੇ ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੈਮੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੀਰ ਕੱਢੇ ਮਤਾਈ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਨਾ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੋਜ਼ਾਨੂ ਹੋ ਕੇ ਸੈਯਦ ਬਹਿ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਨੂਆਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਕਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸਗਰ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਅਸਗਰ ਹਵਾਲਾ ਇਹ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਛੇਕਰੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਤੀਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਖਾਫਿਰ ਨਾ ਬਣੀ ਹਵਾਲਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਅਸਗਰ ਆਜ ਅਕਬਰ ਬਣਸਾ ਹੁਣ ਚਾਹੀ ਅਸਗਰਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਸੀ ਤੂੰ ਤੀਰ ਕੱਢ ਲੈ ਮੈਂ ਕਸਮ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੜਪ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਪੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਬਾਜ਼ੂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦੀ ਗਰਦਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਫਿਰਾ ਕੇ ਆਦਾ ਖਾਬੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦੋਨੋਂ ਜੋਰ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸੈਯਦ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਠਾਣੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਦਾ ਸਰ ਰਾਜ਼ੀਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਆਦਾ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਜਰਾ ਹਿੰਮਤ ਕਰੀ ਮੈਂ ਤੀਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਬਾਬਾ ਕੱਢ ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਧਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਕੱਢ ਲੈ ਜਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਕਾਨੀ ਨੂੰ ਕਾਨੀ ਲੰਬੀ ਆਈ ਲੋਹੇ ਦੀ ਔਰ ਸ਼ਾਖਾ ਅਸਗਰ ਦੇ ਗਾਲੇ ਚ ਮਿੰਬਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਸਮ ਸਿੱਧਾ ਤੀਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਕਿਆ ਲੈ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਅੰਬੀਆ ਗਏ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵੇਖਣ ਔਲੀਆ ਆਏ ਨਾ ਹੌਸੀਆ ਆਏ ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਵੀ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਤੀਰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦਿਲ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੈਨਾ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਨੂਆਂ ਤੇ ਉਲਟਾ ਲਿਆ ਕੰਡ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਹੋ ਗਈ ਮੂੰਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਰਫ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਨੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿਲਾਈ ਵਰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਉਸ ਤੀਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਹੈ ਹਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਾਨੀ ਨਿਕਲੀ ਆਈ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੋ ਹੱਥ ਆਇਆ ਹੌਲੇ ਮੌਲਾ ਜਾਣ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਦਾਦੀ ਜ਼ਹਰਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਾਂ ਹਾਂ ਦਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਤਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਤੀਰ ਹਿਲਾਇਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਰੋਂਦੀ ਬੜੇ ਜੁਮਲੇ ਹੈ ਬਸ ਆਖਰੀ ਫਿਕਰ ਖੈਮੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਦਾ ਖੈਮੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਰਬਾਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੋ ਗਈ ਹੱਥ ਬੰਨ ਖਿਆ ਦੀ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਮੋਇਆ ਪੁੱਤਰਾ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇਖਦੀਆਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਜੇ ਵੇਖ ਲੈ ਮਗਰ ਜਿਗਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੀ ਜਦੋਂ ਰਬਾਬ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾਇਆ ਗੱਲ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਨੀਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਰੋ ਕੇ ਜੀ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕਾਤਿਲ ਸਾਹਿਬੇ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੈਂਦਾ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਪਈ ਰਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਮਗਰ ਇਤਨਾ ਕਾਲ ਤੂੰ ਕੁਸਰ ਦੀ ਮੈਯਤ ਸ਼ਾਹ ਕਿ ਮੌਲਾ ਤੋਂ ਸਾਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਏ ਮੈਂ ਕਬਰ ਕੱਢ ਲਵਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਬਾਬ ਆਈਏ ਤੇ ਸਬਾਨੀ ਉਪਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਿਉ ਦਫਨ ਲੈ ਪੁੱਤਰਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲਾਸ਼ਾ ਚੈ ਦਿਆ ਮੈਂ